तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जीएसटी नंबर को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो जीएसटी नंबर को सर्च करने के लिए पहले आपको किसी भी ब्राउज़र ओपन करनी पड़ेगी। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, देन आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसको ऑफिशियल वेबसाइट है gst.gov.in। तो आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा gst.gov.in, देन एंटर। एंटर करने के बाद आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे लिंक पे जाने के बाद आपके सामने जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप विदाउट लॉगिन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, और दोनों में डिफरेंट क्या है ये भी बता देता हूँ। पहले मैं विदाउट लॉगिन कर लेता हूँ, सर्च टैक्सपेयर सर्च बाय जीएसटी। देन आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल करना है, देन कैप्चा, उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस जीएसटी नंबर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। लगभग आपके यहाँ पे लीगल नेम और बिजनेस टिक जाएगा, ट्रेड नेम, जीएसटी नंबर कब से रजिस्ट्रेशन है, टैक्स पेयर का टाइप क्या है, रेगुलर है, कंपोजिशन है क्या है, जीएसटी नंबर एक्टिव है या कैंसिल हो चुका है, फर्म किस टाइप का है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे इस जीएसटी नंबर का जितने भी एड्रेस जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा उसमें से एक आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप लॉगिन करके कीजिएगा तो सारे एड्रेस इनके शो हो जाएंगे, वो मैं अभी दिखा देता हूँ। फिर आप नीचे आइएगा, आप यहाँ पे इनका जो रिटर्न या फाइलिंग करते हैं उनका भी आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा, देन आपको GST R3B, GST R1 यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये सही से टाइम पे फाइल कर रहे हैं, कब फाइल कर रहे हैं, किस मंथ का इन्होंने नहीं किया है। ये R1 की रिकॉर्ड है, ये 3B की रिकॉर्ड है। तो आप यहाँ से एक चीज़ और भी पता कर सकते हैं कि ये पार्टी है वो क्वार्टरली है या मंथली है। अगर ये 3B क्वार्टरली कर रहे हैं तो ये क्वार्टरली है, अगर ये मंथली कर रहे हैं तो मंथली में है। आप नीचे और यहाँ पे GST R9C का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, GST R9 का भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें इनकी देख सकते हैं जीएसटी नंबर के थ्रू। देन हम अब देख लेते हैं कि लॉगिन करके क्या इंफॉर्मेशन आती है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, यूजर नेम फिल करना है, देन पासवर्ड, देन कैप्चा, देन यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेम सर्च करना है, सर्च टैक्स पेयर सर्च बाय जीएसटी। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल करना है, देन सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी इस जीएसटी नंबर से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आ गया आपका ट्रेड नेम, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस। इस पर क्लिक कीजिएगा तो जितने भी इनके एड्रेस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होंगे सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी विदाउट लॉगिन किया था तो एक ही एड्रेस शो हो रहा था, अभी लॉगिन करने के बाद कर रहा हूँ तो इनके दो एड्रेस शो हो रहे हैं। तो विदाउट लॉगिन और लॉगिन में ये डिफरेंट है। तो इस तरह से आप जीएसटी को सर्च कर सकते हैं, देन किसी भी जीएसटी नंबर से सारी इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए।